दोनों हाथ नहीं फिर भी पैर से लिखते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, जिसके चलते आज मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कृष्ण कुमार केवट को लैपटॉप भेंट किया, आजीविका चलाने का भेंट किया वादा, आईएएस की कोचिंग भी दिलाएंगे। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का साफ तौर से कहना है, कृष्ण कुमार में काफ़ी पोटेंशियल है, निश्चित रूप से ये माना जा सकता है अगर वो सही तरीके से उनको कोचिंग मिली, बेहतर तरीके से उन्होंने कोचिंग ली तो वो आईएएस भी बन सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण कुमार ने 12वीं की परीक्षा 82% अंक से प्राप्त की थी। दिव्यांग कृष्ण कुमार केवट के दोनों हाथ न होने के बावजूद कलेक्टर बनने की इच्छा, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उनकी स्वयं के हाथ न होने की वजह से बेहतर तरीके से काम न कर पाने की लाचारी देखकर कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कृष्ण कुमार केवट को आश्वासन दिया था, कुछ बेहतर करूंगा, कुछ बेहतर, जिसके चलते आज उन्होंने कृष्ण कुमार को पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप का इंतजाम करवा दिया। ये लैपटॉप भी उनको मिला इंदौर की रहने वाली श्रीमती हरमीत कौर की वजह से। सोशल मीडिया में जब इस बात की जानकारी श्रीमती हरमीत कौर तक पहुंची तो उन्होंने मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को फ़ोन करके कहा, सर अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं उस लड़के के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रीमती हरमीत कौर ने लैपटॉप मऊगंज भिजवा दिया, जिसे आज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने जाकर कृष्ण कुमार केवट को सौंप दिया और अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि आजीविका मिशन के अधिकारी समूह बनाकर उनको ऋण देने की व्यवस्था करें, जिससे कृष्ण कुमार के परिवार की दाल रोटी का भी इंतज़ाम हो जाए। दाल रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा तो कृष्ण कुमार और भी बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने आज उनको तैयारी के लिए कुछ नोट्स, कुछ किताबें भी उपलब्ध कराई हैं। माना जा सकता है कृष्ण कुमार अब बेहतर तरीके से अपने भविष्य बनाने के लिए काम कर सकेंगे। हमने कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और कृष्ण कुमार से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। आज आपको मऊगंज के कलेक्टर साहब ने आपको गिफ्ट किया है ये लैपटॉप और आपने पैरों से लिख के उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हम उनसे मिले हैं और हमें लगा कि सर जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे, कि सब सहायता सब मैंने आप मऊगंज में आते ही देखा कि बहुत ही सहयोग करते हैं सर और सब लोगों को देखा ऐसे ही नहीं सहयोग किए कभी, और मैं सर को चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ सर, जैसे आपके और लोग हम मिलते और मतलब उनकी मदद कर सके। बोल जाए क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ और सर से मैंने अपना ये बात रखा हूँ कि सर हमें कोई रोजगार मिल जाए तो अपना घर परिवार भी चला सकें और माता जी का अपने सेवा कर सकूँ। माँ ही सबके एक ही वो होती हैं, माँ तो सबको पैदा करती हूँ। माँ के लिए मैं एक कविता भी सुनाना चाहता हूँ। माँ ने हमको जन्म दिया है, धरती माँ ने गोद लिया है, माता देती है दाना, धरती देती है दाना, माता देती है खाना, माता का हम प्यार न भूलें, धरती का उपकार न भूलें। ये कृष्ण कुमार जी हैं, इनकी जानकारी मुझे आपने सही, कोई जी टीवी के पत्रकार थे उन्होंने मुझे बताया था कि ये यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट हैं और यूपीएससी करने के इच्छुक हैं। तो मैं आया था कुछ दिन पहले इनसे मिलने, इनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई थी और मैंने देखा कि ये सारा काम अपना पैर की मदद से, लिखने का काम, खाना खाने का काम, अपना पानी पीने का काम, सारा काम पैर से कर लेते हैं, लैपटॉप भी पैर से चलाते हैं, डीसीए किए हुए हैं। और मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं इच्छा तो मेरी आईएएस बनने की है। तो मैंने कहा आप आईएएस ही बनेंगे, हम पूरी मदद करेंगे और उसमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़े संस्थान हैं आईएएस की, यूपीएससी की जो कोचिंग करवाते हैं,
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कोई स्पॉन्सर कर दे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वो कोचिंग भी हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसके लिए लैपटॉप इनको दिया है और साथ में मैंने कुछ गाइड बुक्स भी दी हैं और भी बुक्स मैं बुलवा रहा हूँ और इसके साथ में मैं कलेक्ट्रेट में इनको कंप्यूटर ऑपरेटर का एक काम भी दूंगा ताकि इनको आजीविका के लिए सहारा हो जाए। यहाँ एक मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो लैपटॉप है ये मैंने नहीं खरीदा है। जो मेरा पिछला वीडियो वायरल हुआ होगा तो इंदौर में एक श्रीमती हरमीत कौर हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि आपने इनको, उसमें मैंने बोला था कि मैं इनको मोबाइल दूंगा, तो उन्होंने कहा मोबाइल यदि हम दे दें तो आपको कोई आपत्ति है, तो मैंने कहा नहीं, आपका स्वागत है। तो फिर मैंने कहा कि अब मैंने अपना विचार बदल लिया है, ये मोबाइल से तो इनका काम होगा नहीं, इनको लैपटॉप की आवश्यकता है। उन्होंने कहा हम लैपटॉप दे देंगे, तो दो तीन दिन के अंदर ही उनका आदमी आया और ये लैपटॉप मुझे दे गया। तो लैपटॉप में आज इनको देने आया हूँ और इन्होंने सबके सामने दिखाया है कि लैपटॉप ये पैर से ऑपरेट करते हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर का लाभ लेके मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि यदि और भी लोग कोई हैं जो इस तरह का कोई गरीबों की मदद करना चाहते हैं या इस तरह की कोई सहायता करना चाहते हैं तो आगे आ सकते हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ और इससे गरीबों की मदद होगी। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।